विक्टिम के बॉडी पे इतने सारे बार, जितने बार मरने से पहले उससे कई ज्यादा मरने के बाद। ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हो? शायद उसी चाकू का एक जख्म तुम्हारे हाथ में। लेकिन उस रात में वहां नहीं था। सीसीटीवी तो बता रहा है कि क्राइम के 5 मिनट पहले तुम बिल्डिंग में घुसे थे। जो उसे मिलने के लिए बुलाया था किसी काम से, लेकिन मैं गया नहीं। अगर तेरे फिंगरप्रिंट्स मर्डर वेपन तक पहुंच गए। मुझे कुछ याद नहीं है, उस रात घर 3 बजे आए। तो घर पे आने का वक्त कैसे याद है? आपका सवाल सही है, लेकिन एड्रेस गलत है। शहर के सारे पार्टीज में तू ही ड्रग सप्लाई करता है ना? मरने वाले का भी सप्लायर तू ही था ना? She was messed up in her head. इसीलिए तूने सर पे 10 बार किए। उसका मेरे हस्बैंड के साथ अफेयर चल रहा था। और इसी बात का बदला लिया तुमने उसका मर्डर करके। बदला? मर्डर? I am God's servant. How can you even treat me like a criminal? यही मौका है सब कन्फेस करने का। I want to see my lawyer. तुम सच बोलोगे या बुलवाऊं? मैं नहीं मारा उसे। किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं? सर, अगर मैं वहां होती तो मैं उसे बचाने की कोशिश करती ना। आसानी से जवाब नहीं दोगे। I'm innocent. अब तुम्हें बचाने कोई नहीं आने वाला है। सर, लड़की का मोबाइल फोन मिल गया है और मर्डर के 5 मिनट पहले उसे एक आखिरी कॉल आया था। किसका? सर आपका। Do you have any